वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है ओ एस आई मॉडल ओ एस आई एब्रीवेशन है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन की इसमें वर्ल्ड ओपन का मतलब है कि कोई भी सिस्टम वो कंप्यूटर, लैपटॉप मोबाइल फोन या कोई भी सिस्टम हो सकता है और इंटर कनेक्शन का मतलब है कि टू डिफ़रेंट सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं जैसा कि इंटरनेशनल का मतलब होता है कि बिटवीन टू डिफरेंट नेशंस इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1983 में और 1984 में इस मॉडल को अडॉप्ट किया था आई ने आई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के लिए एक इदारा है ओ मॉडल में सेवन लेयर्स होती हैं हर लेयर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है और हर लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है लेयर्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि सबसे टॉप पे है एप्लीकेशन लेयर देन प्रेजेंटेशन लेयर देन सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर डाटा लिंक लेयर और लास्ट पे है हमारे पास फिजिकल लेयर अब अगर आप इन लेयर्स को इसी सीक्वेंस से याद रखना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस की मदद से याद रख सकते हैं और अगर आप बॉटम टू टॉप याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सेंटेंस है इन सेवन लेयर्स में से टॉप थ्री लेयर्स को सॉफ्टवेयर लेयर्स कहा जाता है और बॉटम की थ्री लेयर्स हार्डवेयर लेयर कहलाती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ द मॉडल कहा जाता है क्योंकि ये लेयर टॉप और बॉटम की लेयर्स को लिंक करती है और इंश्योर करती है कि हार्डवेयर लेयर्स का डाटा सॉफ्टवेयर लेयर्स को अंडरस्टैंड हो जाए अब हम हर लेयर के फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि वो नेटवर्क को एक्सेस कर सके तो तमाम वेब ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम फायरफॉक्स एच सफारी ये एप्लीकेशन लेयर का पार्ट हैं एप्लीकेशन लेयर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी प्रोवाइड करती है लाइक अगर यूज़र कोई फाइल ट्रांसफ़र करता है किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो एप्लीकेशन लेयर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या एफटीपी प्रोवाइड करती है और अगर यूज़र कोई मेल सेंड करता है एप्लीकेशन लेयर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या पी प्रोवाइड करती है इसी तरह किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए एच या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है तमाम प्रोटोकॉल्स डाटा को सिक्योरली डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं एप्लीकेशन डाटा पहुंचता है प्रेजेंटेशन पहले डाटा को रिफॉर्मेट करती है क्योंकि सेंडर और रिसीवर की करैक्टर की इनकोडिंग स्कीम डिफरेंट हो सकती है करैक्टर इनकोडिंग स्कीम बताती है कि किसी करैक्टर या अल्फाबेट को कंप्यूटर की मेमोरी में किस बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरा काम होता है डाटा को इनक्रिप्ट encrypt करना इनक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज़ करके डाटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि अगर डाटा ट्रांसमिशन के दौरान हैक हो भी जाए तो डाटा को रीड ना किया जा सके सो so, इससे डाटा ज़्यादा सिक्योर हो जाता है प्रेजेंटेशन लेयर का तीसरा मेजर काम है डाटा को कंप्रेस करके उसका साइज रिड्यूस करना इससे कम टाइम में ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है नेक्स्ट हमारे पास है सेशन लेयर सेशन लेयर का काम है टू कंप्यूटर्स के दरमियान सेशन को इस्टेब्लिश करना इसमें एक सिस्टम सेशन क्रिएट करने की रिक्वेस्ट करता है और दूसरा सिस्टम कुछ वेरिफिकेशन डिटेल्स के बाद सेशन की रिक्वेस्ट को अप्रूव करके सेशन क्रिएट करता है और सेशन को मेंटेन रखता है जब तक कि यूज़र लॉग आउट ना कर दे इसके अलावा डाटा ट्रांसमिशन में चेक पॉइंट्स लगाना भी सेशन लेयर का एक काम है अगर डाटा ट्रांसमिशन में एरर आ जाए या सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए तो सारा डाटा अगेन सेंड ना करना पड़े बल्कि सिर्फ लास्ट चेक पॉइंट से ही डाटा ट्रांसफ़र किया जाए इसलिए चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं और लास्ट पर सेशन लेयर जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तो इस सेशन को टर्मिनेट कर देती है उसके बाद यह डाटा पहुंचता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ट्रांसपोर्ट लेयर एक सर्विस टू सर्विस लेयर है क्योंकि सेंडिंग डिवाइस में ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोग्राम डायरेक्ट रिसीविंग डिवाइस के प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर रहा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का एक काम है डाटा की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर में ब्राउजर पे यूट्यूब पे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं और साथ ही वट्सएप पे चैट कर रहे हैं अब दोनों एप्लीकेशन का डाटा एक साथ इंटरनेट से आ रहा है कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन से बिट्स व्हाट्सएप के मैसेज के हैं और कौन से बिट्स यूट्यूब के सॉन्ग के हैं ट्रांसपोर्ट लेयर इन बिट्स को आइडेंटिफाई करती है पोर्ट नंबर से टोटल 65,536 पोर्ट नंबर्स मौजूद हैं और हर एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट नंबर्स यूज कर रही होती है सो ट्रांसपोर्ट लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर्स प्लस उनके आई एड्रेस से कन्फर्म करती है कि कौन सा डाटा किस एप्लीकेशन का है उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर ये भी डिसाइड करती है कि कौन सा कनेक्शन यूज़ किया जाएगा डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें उसके पास दो मेजर ऑप्शन हैं टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी से डाटा ट्रांसफर किया जाएगा तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज़ होगा और अगर यूडीपी से डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा तो कनेक्शन प्रोटोकॉल यूज़ होगा ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा को सेगमेंट्स में भी डिवाइड किया जाता है ताकि डाटा को ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके और डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना भी ट्रांसपोर्ट लेयर का एक फंक्शन है कि अगर सेंडर और रिसीवर की स्पीड डिफरेंट हो तो डाटा लॉस ना हो इसी तरह से एरर्स को भी ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल करती है ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद डाटा पहुंचता है नेटवर्क लेयर के पास नेटवर्क लेयर ने जो डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट की फॉर्म में रिसीव किया था उसको पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है एक सेगमेंट के डिफरेंट पैकेट्स बन सकते हैं अब इस पैकेट्स को डिफरेंट नेटवर्क्स को क्रॉस करके डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है और इन नेटवर्क्स के दरमियान डिफरेंट पाथ्स होते हैं नेटवर्क लेयर इन डिफरेंट पाथ्स में से मोस्ट क्विक पाथ सिलेक्ट करती है और इस काम में हेल्प करता है राउटर राउटर टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है सो so अगर डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र करना हो तो राउटर बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करके ये डाटा दूसरे नेटवर्क को ट्रांसफर कर देता है नेटवर्क लेयर में किसी पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है ये आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता सोर्स डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस किसी पैकेट को असाइन कर देता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आईपी एड्रेस वही रहता है नेटवर्क लेयर के बाद डाटा पहुँचता है डाटा लिंक लेयर के पास डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर के पैकेट्स को फ्रेम्स में डिवाइड करती है नेटवर्क लेयर के एक पैकेट के कितने फ्रेम्स बनेंगे ये डिपेंड करता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करने में कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया गया है मोस्टली ये हार्डवेयर होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसमें आप इंटरनेट की केबल को प्लग इन करते हैं स्विच और हब भी इसी लेयर के अंदर ही काम कर रहे होते हैं इस लेयर में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मैक एड्रेस को यूज़ किया जाता है और डेटा को सिस्टम टू तो सिस्टम ट्रांसफ़र किया जाता है इसलिए का काम डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना नहीं होता बल्कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाना होता है सो तो डाटा जब एक सिस्टम के पास होता है तो वह उसके मैक एड्रेस को यूज़ करते हुए नेक्स्ट सिस्टम तक डाटा को पहुँचा देता है और नेक्स्ट सिस्टम उसका मैक एड्रेस चेंज करके इससे उससे नेक्स्ट सिस्टम तक पहुँचाता है और ऐसे ही ये डाटा हॉप टू हॉप ट्रैवल कर रहा होता है और उसका मैक एड्रेस चेंज हो रहा होता है इन फ्रेम का साइज़ कुछ हंड्रेड से लेकर कुछ थाउजेंड बाइट तक सक हो सकता है इन फ्रेम्स को सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र किया जाता है रिसीवर फ्रेम्स को रिसीव करने के बाद एक्नोलिजमेंट सिग्नल सेंड करता है कि फ्रेम्स रिसीव हो गए हैं अगर सेंडर की डाटा को सेंड करने की स्पीड ज़्यादा है और रिसीवर की डाटा को रिसीव करने की स्पीड स्लो है तो फ्लो को कंट्रोल किया जाता है ताकि फ्रेम्स लॉस ना हो। अगर किसी फ्रेम में एरर हो या फ्रेम लॉस हो जाए तो उस फ्रेम को रिट्रांसमिट किया जाता है अगर कम्युनिकेशन मीडियम शेयर्ड हो तो एक टाइम पे एक ही सिस्टम मीडियम को यूज़ कर सके उसके लिए एक और सब लेयर मीडिया एक्सेस कंट्रोल को यूज़ किया जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का काम है डिसाइड करना कि नेक्स्ट कौन मीडिया को एक्सेस करेगा लास्ट पे है हमारे पास फिज़िकल लेयर फिज़िकल लेयर डिफाइन करती है कि बिट्स को कैसे कम्युनिकेशन मीडियम में से ट्रांसफ़र किया जाएगा मीडियम अगर वायर्स हैं लाइक इथरनेट केबल तो फिज़िकल लेयर डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है अगर मीडियम वायरलेस हो लाइक like वाईफाई तो डाटा को रेडियो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा लाइट पल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है किसी मीडियम में डाटा को ट्रांसफ़र करते हुए वन को किस सिग्नल से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि रिसीवर भी उसको वन ही रीड करे और जीरो को किस सिग्नल से रिप्रेजेंट किया जाएगा ये भी डिसाइड किया जाता है एक बिट की लाइफ टाइम कितने नैनो सेकेंड होगी मतलब कि कम्युनिकेशन मीडियम में कितनी देर के बाद एक बिट एक्सपायर एक हो जाएगा डाटा रेट क्या होगा मतलब कि हर सेकेंड में कितने बिट्स सेंड किए जाएंगे फिजिकल लेयर का एक फंक्शन ये भी है चेक करना कि डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा या बोथ डायरेक्शन में फ़्लो होगा यानी कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी फिजिकल लेयर डिसाइड करती है सो so, होप्स हो कि आपको ओ मॉडल की वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं